ओम शांति। सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, मन के कोने कोने की चेकिंग हो रही है। जो बातें हमें लगा था हम भूल चुके हैं, जब हम चेक करना शुरू करते हैं तो वो बातें अभी भी पकड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी हमने कहा था ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। कल क्या खाया था वो तो याद रहता नहीं, लेकिन 10 साल पहले, 20 साल पहले, उस दिन, उस समय उन्होंने क्या कहा था वो भूलता नहीं। और वो जब हम चेक करते हैं तो वैसे ही याद आता है जैसे कि आज ही हुआ था। मन उसी भावनाओं को, उसी इमोशंस को फिर से फील करता है, और कभी कभी तो गुस्सा दोबारा आ जाता है, और कभी कभी तो आंखों से पानी बहने लगता है, जैसे कि वो बात अभी हो रही है। एंड दिस इज़ अ प्रूफ कि वो बात कितनी गहरी आत्मा पर छाप बन चुकी है। इसीलिए सफाई करना कितना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम सफाई करना शुरू करते हैं, आत्मा के पुराने संस्कार खत्म होते जाते हैं, और जब पुराने संस्कार खत्म होंगे तो नए संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। पुराना सोचने का तरीका छोड़ते जाएंगे, नया सोचने का तरीका आता जाएगा। पुरानी फीलिंग्स, पुराने इमोशंस को रिलीज करेंगे, डिलीट करेंगे, तो उसकी जगह न्यू फीलिंग्स अपनी प्लेस बनाएंगे। और इसीलिए दिवाली में सफाई के साथ नवीनता का महत्व है। हर चीज़ हम नई जो खरीदनी है हम दिवाली के समय खरीदते हैं, नए कपड़े, नए बर्तन, यहाँ तक कि घर की भी कोई नई चीज़ खरीदनी हो तो 3-4 महीने पहले से हम कहते हैं दिवाली पर खरीदेंगे, दिवाली पर खरीदेंगे। तो दिवाली में ऐसा क्या है जो हमें हर नया सामान दिवाली पर ही खरीदना है? क्योंकि जब सफाई होगी नवीनता आनी ही आनी है। यहाँ तक कि हम घर की पेंटिंग भी दिवाली पर ही करते हैं। सो नवीनता, तो जैसे जैसे आपने अपनी चेकिंग की और उन पुरानी बातों को निकाला, ऑटोमेटिकली इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड विद अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड अ न्यू वे ऑफ लिविंग। सपोज मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार है कि किसी की भी कोई बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, इतनी बुरी लगती है कि हम कहते हैं उनकी वजह से हम हर्ट हो गए, और हम उस हर्ट को लंबा पकड़ के रखते हैं। अब जब हमने सफाई की तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उनका संस्कार था, उन्होंने मेरे बारे में जो कहा वो मेरे बारे में नहीं था, वो उनके संस्कार को दर्शाता है, वो उनकी मनोस्थिति को दर्शाता है। किसी के अंदर अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी है, किसी के अंदर जेलेसी है, किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर निंदा करने की आदत है, वो उनका संस्कार है। इट्स अबाउट देम, इट्स देयर पर्सनालिटी, देयर पर्सपेक्टिव। उन्होंने जो बोला अपने संस्कार से बोला, लेकिन उस दिन जब उन्होंने बोला मैंने पकड़ के रख लिया, एंड मैंने कहा दे हर्ट मी, दे रिजेक्टेड मी, दे लेट मी डाउन, और वो कोने में वो हर्ट को हमने पकड़ के रखा था। अब हमने क्या किया, वापस उस मन पे पड़ी हुई फाइल को खोला, रिवाइंड किया उस सीन को, और हमने कहा इट्स नॉट अबाउट मी, इट वॉज नॉट अबाउट मी दैट डे, इट वॉज अबाउट देम। वो अपने मनोस्थिति से बोल रहे थे, एंड वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनका मन डिस्टर्ब था। जिसका मन ठीक होगा वो कभी इस तरह के बोल और इस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकता है। जो आत्मा अपने आप में कॉन्फिडेंट है, सेफ है, सिक्योर है, शांत है, खुश है, खुद से प्यार करती है, खुद को रिस्पेक्ट करती है, वो इस तरह से गलत व्यवहार और गलत बोल कर ही नहीं सकती है। तो इट वॉज़ नॉट अबाउट मी, इट वॉज़ अबाउट देम। फिर हमें लगता है अच्छा वो अंदर से इतने परेशान हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, ये क्रिएट होती है। तो पुराना संस्कार कौन सा छोड़ा, फीलिंग हर्ट, फीलिंग रिजेक्टेड। तो अपने आप नया संस्कार कौन सा आ गया, फीलिंग कंपैशनेट, एम्पथाइजिंग, केयरिंग। चेंज हो गया, बिल्कुल नया रंग लग गया, पुराने रंग मिट गए आत्मा के ऊपर से, और एक नया रंग आ गया हर एक को समझने का, हर एक के संस्कार को समझने का, और समझकर उनके प्रति सहानुभूति, कंपैशन। ये हमारा नया जीवन जीने का तरीका। तो हमारे जीवन में नवीनता आ गई, पुरानी स्ट्रेस तो दिखाई नहीं देती। हर चीज़ नई है, हर सोच नई है, हर फीलिंग नई है, बोलने का तरीका नया है, व्यवहार नया है, खाने पीने का तरीका नया है, काम करने का तरीका नया है, जीवन जीने का तरीका नया है। जब इतनी नवीनता आ जाएगी
कि हर संस्कार ही नया हो जाएगा, तब सही मायने में आत्मा का दीप जगेगा। तो अगले कुछ दिन जब आप अपने लिए नया सामान खरीद ही रहे हैं, खुद के लिए भी, परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ऑफिस में आपके साथ काम करने वालों के लिए, सबके लिए नई चीज़ें खरीदते हैं, साथ साथ नए संस्कार, चेक करें मुझ आत्मा को कौन सा नया संस्कार लाना है, मुझ आत्मा को कौन सी नई आदत बनानी है, कौन सी चीज़ें बहुत समय से पेंडिंग थी कि मुझे इसको बदलना है, मुझे नवीनता लानी है इन माई वे ऑफ लिविंग। सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, क्या औरों से सुन रहे हैं। There is so much to be changed, क्योंकि जब हम उसको बदलेंगे, उसमें नवीनता लाएंगे, तभी तो ये जो आत्मा की ज्योत है वो अखंड जगती रहेगी। नहीं तो कुछ गलत खा लिया, कुछ तामसिक पी लिया, कुछ यहाँ वहाँ की इधर उधर की ग्लानी की बात सुन ली, कुछ और सीन्स ऐसे देख लिए जो शुद्ध नहीं हैं, तो ये आत्मा की ज्योत फ्लिकर करने लगेगी। नवीनता लानी है, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगले कुछ दिन और अपने साथ समय बिताएं। दिवाली मीन्स अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अ टाइम ऑफ इनर क्लेंजिंग, अ टाइम ऑफ न्यूनेस। तो वो समय जब अपने साथ बिताएं, गहराई से चेक करें कौन सी नई आदत लानी है। ये समय है उस नई आदत को लाने का, कौन सा नया संस्कार धारण करना है, अपने अंदर भी, अपने परिवार वालों के साथ भी। पुरानी आदतों को बार बार दोहराने से पुरानी आदतें पक्की हो जाती हैं। पुराने पे फोकस नहीं करना है, नया, नया एंड नया, अ न्यू वे ऑफ लिविंग, बिकॉज ओनली व्हेन वी क्रिएट न्यूनेस हियर विल वी क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। आज दुनिया कह रही है कि वी नीड अ न्यू वर्ल्ड, ये पुरानी दुनिया कब तक ऐसे चलेगी, लेकिन नया संसार बनेगा कैसे, तो हम ढूंढ रहे हैं हमारी इस दुनिया को बदलेगा कौन, नया संसार बनाएगा कौन। नया संसार बनाने का एक ही तरीका है, नया संस्कार। हमारे संस्कारों से संसार बनता है, नोबडी एल्स क्रिएट्स द वर्ल्ड, आर संस्कार्स क्रिएट आर संसार द वर्ल्ड। तो जितने जितने हम नए संस्कार धारण करते जाएंगे, हमारा संसार बदलता जाएगा। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो शांति को, प्यार को, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, रिस्पेक्ट, यूनिटी, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, ये सारे संस्कार वो नया सत्योगी संसार इस सृष्टि पर लाएंगे। तो हमें सिर्फ नया मकान नहीं, नए कपड़े नहीं, नए बर्तन नहीं, नए संस्कार और नया संसार बनाना है। तो अपनी चेकिंग करते रहें, सफाई करते रहें, और नए संस्कारों को अपने जीवन में धारण करते रहें, और दिवाली आने के दिन से पहले उस नई आदत को अपना जीवन जीने का तरीका बना लें, ताकि दिवाली आने के दिन तक वो नई आदत सिर्फ एक आदत नहीं, हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाती है, और आत्मा की ज्योत सदा ही जगती रहेगी, फिर हिलेगी नहीं। चाहे हमारे आसपास कोई कैसा भी व्यवहार करे, उनके संस्कार कैसे भी हो, उनका लाइफस्टाइल कैसा भी हो, एक बार वो नई आदत धारण कर ली, देन दैट्स माय वे ऑफ लिविंग। फिर कोई पीयर प्रेशर नहीं, कोई टेम्पटेशन नहीं, कोई किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपनी वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं। नवीनता, न्यू वे ऑफ लिविंग हमारा परमानेंट वे ऑफ लिविंग बन जाएगा। ओम शांति।